क्लास फोर्थ मैथ पेज नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन इसका रह गया था। तो इसमें क्या करना है, इन एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन पे है मोहन गॉट 89 मार्क्स इन मैथ, 86 मार्क्स इन साइंस, 69 इन सोशल साइंस मीन्स SS, 71 इज हिंदी, 64 इज इन इंग्लिश। सो मोहन गॉट अ टोटल मार्क्स, सभी जो मार्क्स है उन सबको टोटल करिएगा और अपना आंसर लिखिएगा। हो सकता है मेरा आंसर गलत भी हो, तो नाउ जस्ट एड इट, क्योंकि मैंने आपके लिए ये गलत नंबर लिखा है। अब आपको टोटल करके हमें बताना है सही है कि गलत है। ये नोट डाउन करके आप बकायदा एक सब लेके सारे सब नंबर्स लिखिएगा, उसके आगे उसके सब्जेक्ट लिखिएगा प्लस उसका टोटल करके मुझे सेंड करिएगा, तो मुझे पता चलेगा मैंने सही किया है कि नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम मैंने सही किया कि नहीं। तो दिस इज़ योर टेस्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट, ही गॉट अ मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स से सबसे ज़्यादा इन दिस साइड 89, एंड आफ्टर दैट इफ़ यू आर कंपेयरिंग इट, तो 89 इज द मैक्सिमम मार्क इन मैथ, तो 89 इज द मैक्सिमम मार्क इन मैथ है। ही गॉट अ लीस्ट, लीस्ट मीन्स एकदम जो कम मार्क्स जिसमें हो, लीस्ट बट नॉट लास्ट, लीस्ट होना चाहिए लास्ट नहीं होना चाहिए, वो कहावत होती है ना, तो लीस्ट मतलब जिसमें सबसे कम मार्क्स है डेफिनेटली 64 इन इंग्लिश, तो 64 इन इंग्लिश। नाउ डू जिस विथ योर ओन सेल्फ, टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन हिंदी मैथ एंड साइंस, मैथ एंड साइंस जस्ट एड इट प्लस करना है और टोटल करने के बाद इनका आंसर देना है। एंड द टोटल ऑब्टेन इन इंग्लिश सोशल साइंस एंड हिंदी, इंग्लिश में कितने मार्क्स है आपके, सोशल साइंस में 69 है और हिंदी में 71, इन तीनों को प्लस करके यहाँ पर आंसर नोट डाउन करें, ठीक है। नाउ द टाइम ऑफ चैप्टर सेकेंड, रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाउ जस्ट टर्न द पेज, मैं मेन मेन हेडिंग पे आऊँगी, मेन हेडिंग पे 1 से लेके 10 तक आपको पहली बात तो हमें नोटबुक में, सॉरी इट्स नॉट बुक इट्स नोटबुक, ओके, नोटबुक में लिख कर देना है। प्लस आपको ये लर्न भी होने चाहिए, क्योंकि जब आपको ये प्रॉपरली लर्न होंगे तभी आप आगे सॉल्व कर पाओगे। सपोज दैट आपका आता है 11, तो 11 कैसे आएगा, 11 का मीन्स पहले आपको 10 करना है प्लस 1 करना है, तो यहाँ पर 10 क्या है, x है, हमने x लिखा, इसमें क्या किया प्लस 1 को ऐड कर दिया, वैसे ही 12 हुआ, तो 10 प्लस 2 12, फिर वैसे ही 10 प्लस 3 3 है ना 3, फिर 10 प्लस 4 देखिए 4 एज इट इज़ है, 5 एज इट इज़ है, 6 एज इट इज़ है, 7 8 9, ठीक है, और 10 में 10 प्लस 10 20। तो आपको 1 से लेकर 10 तक पहले प्रॉपरली लर्न करने होंगे, उसके बाद हम आगे की क्लास में आपको कंटिन्यू कराएंगे, ओके।